मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और पाठशाला के इस एडिट सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने गेस्ट मनीष जायसवाल से, और इनसे हम आज पूछेंगे कि अगर हमें एडिटिंग में अपना करियर चुनना है तो हम क्या करें। तो सर, इस बारे में हम थोड़ा इनलाइट करें, जो जो नए बच्चे हैं जो एडिटिंग में ज्वाइन करना चाह रहे हैं या अभी नया नया सीख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो पहला स्टेप क्या लें और अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज करें वो। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने प्रोडक्शन हाउस से स्टार्ट किया था। प्रोडक्शन हाउस पे आइडिया बॉर्न होता है, क्रिएट होता है। वहाँ पे राइटर्स होते हैं, वहाँ पे एडिटर्स होते हैं, वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो लोग आइडिया को बॉर्न करते हैं, वो लोग क्रिएट करते हैं। फ्रॉम स्क्रैच से आप प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हो तो आपको उसका पूरा लुक एंड फील, पूरा आपको अप एंड डाउन सब चीज़ पता है, तो आप उस फिल्म को अच्छे से एडिट कर पाओगे और ज़्यादा वहाँ पे लर्न करने का ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा आप सीख कर पाओगे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। पोस्ट स्टूडियो में क्या होता है, जनरली मैंने जब पोस्ट स्टूडियो में काम किया वहाँ पे बहुत काम होता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स है, सारा पोस्ट स्टूडियो में काम भेजते हैं सारा। तो वहाँ पे एक तरह से मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लेबर वर्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे मैंने 2 दिन काम किया, अब सडनली मुझे शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे प्रोजेक्ट पे, अब मेरे प्रोजेक्ट पे कोई और काम कर रहा है, फिर उसको टाइम नहीं, उसको किसी और में शिफ्ट करना है, उस पर तीसरा कोई काम कर रहा है। एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा इस प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट पे कर रहे हो, तो आप एज एन टेक्नीशियन वहाँ पे काम करने वाला प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए, कि मैं सिर्फ जा रहा हूँ असेंबल कर रहा हूँ लगा के छोड़ दिया, अब कोई और काम करेगा बाद में। तो प्रोडक्शन हाउस इसलिए मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो लोग करते हैं और स्क्रैच से लेके एंड तक प्रॉपर काम होता है एक प्रोजेक्ट पे, तो आप एक प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हो अच्छे से, दिल से, शांति से, आप अच्छे से अपना 100% दे सकते हो उस फिल्म पे, जो बेस्ट होगा। तो आप एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी कुछ सीखने मिला ना आपको, इस राइटिंग सीखने मिला आपको, शूटिंग प्रोसेस सीखने मिला आपको, एडिटिंग पैटर्न सीखने मिला, इस फिल्म का लुक एंड फील क्या होगा वो सीखने मिला, डायरेक्टर क्या चाहता है, आप सब लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो। पोस्ट स्टूडियो में सिर्फ आप एडिटर के बीच काम करो, वहाँ पे सिर्फ एडिटर्स या डिजाइनर्स मिलेंगे। अगर मैं अगर सही हूँ तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं तो जो स्टोरी एक आइडिया से स्टार्ट होकर के एडिटिंग टेबल पे कैसे पहुंचती है और फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, वो एक पूरी जर्नी हमें मालूम पड़ती है। एग्जैक्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एज एन टेक्नीशियन आप काम करोगे, आप कैसे ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हो, आपको तो सिर्फ ये पता चलेगा ना इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है, इस वीडियो को सिर्फ असेंबल करना है, इस वीडियो का MP4 कैसे बनेगा, आप टेक्निकलिटी सीख रहे हो, इसका कोडेक क्या है, कोडेक चेंज करना है, मास्टरिंग करना है, वो अलग फील्ड है। मैं बात करूँ एडिटर की, तो आपको एडिटर बनना है तो आपको प्रोडक्शन हाउस, मेरे हिसाब से मैं जो फील करता हूँ, प्रोडक्शन हाउस बेस्ट है। प्रोडक्शन हाउस से आप स्टार्ट टू एंड बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। जिसको भी एडिट, जिसने एडिटिंग चुना है कि मुझे एडिटर बनना है, आई वांट टू बिकम एन एडिटर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल, फिल्म स्कूल जाइए, वहाँ पे आपको पूरा बेसिक, क्योंकि जो भी काम आपको स्टार्ट करना है ग्रास रूट लेवल से नहीं, अंडरग्राउंड लेवल से एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए। आपका जितना ज़्यादा कोर, जितना ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आप लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड कर पाएंगे। इंटर्नशिप करिए किसी कंपनी पे। मैंने अपने स्टार्टिंग करियर पे इंटर्नशिप मैंने भी बहुत किया था, काफ़ी सारे एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ में रह के काम किया, वैसे ही एज एन इंटर्नशिप। तो आप भी इंटर्नशिप करिए और एस्पायरिंग एडिटर्स के फिल्म्स देखिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, मेंटर से सीखिए, और सबसे बेसिक बुक्स भी पढ़िए। एडिटिंग का एक बुक रेकमेंड करूँगा जो मेरा फेवरेट है, मैंने भी बहुत पढ़ा उस बुक पे, द इनविजिबल कट, और दूसरा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ये दो बुक स्टार्टिंग पे आपको पढ़ना ही चाहिए। इनविजिबल कट जो बुक मैंने पढ़ा था, उस बॉबी ओ स्टीन, वो खुद एक एडिटर है, बुक के एडिटर भी 90s का ही है। इसमें हिचकॉक, स्टैनली क्यूब्रिक और स्टीवन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कॉर्सेस, इन जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की जो भी फिल्में हैं, जो सबसे फेमस फिल्में हैं, जिन्होंने इसमें बहुत यूनिक काम किया है, इन सब फिल्म, जितने भी इनकी लेजेंडरी फिल्में हैं, इन सब फिल्मों को इस फिल्म में अच्छे से ब्रेक डाउन किया गया है। एंगल्स, शॉट्स मैनिपुलेट कैसे उन्होंने किया था, जब उनके उस टाइम पे 80s 70s के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कैसे वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स करते थे, कैसे वो स्टोरी टेलिंग करते थे, कैसे सब टेक्स्ट क्रिएट करते थे, कैसे एक शॉट से वो ये सिंबॉलिक क्रिएट करते थे कि
आगे इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं डेप्थ में। आप उस बुक को पढ़ोगे ना, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, आपका क्राफ्ट आपको समझ में आएगा कि एडिटिंग क्या है, एडिटिंग एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टर्स और एडिटर का बॉन्डिंग कैसा होता है, डायरेक्टर और एडिटर का बॉन्डिंग कैसा होता है, कैमरा लाइटिंग हर चीज़ के बारे में पूरा दिया हुआ है। आप इनविजिबल कट अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। दूसरा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। इस बुक को लिखा है अगेन सेम एडिटर ने, एक एडिटर ने लिखा है, वॉल्टर मर्क, वो मेरे फेवरेट एडिटर है, वो मेरे मेंटर है, मैं उनसे सीखता हूँ, उनकी फिल्में मैंने देखी है। वॉल्टर मर्क एक ऑस्कर विनिंग एडिटर है, उन्होंने उस बुक पे आई ब्लिंक पे पूरी थ्योरी दी है कि आई ब्लिंक कितना इंपॉर्टेंट है, आई ब्लिंक कहाँ चाहिए। आई ब्लिंक का मतलब होता है जब जितना बार आप आई ब्लिंक करेंगे आपके थॉट्स चेंज होते हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्टर मर्क कहते हैं कि आई ब्लिंक को कैसे आपको यूज़ करना है, कहाँ पे आई ब्लिंक नहीं चाहिए, जहाँ पे आई ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यानी वो एक्टर अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं आई ब्लिंक की, वो आई ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ही इज़ फिजिटिंग, वो नर्वस हो रहा है या फिर वो फेमिलियर नहीं है कैमरा के साथ, ही इज़ अ न्यू एक्टर, कम एक्सपीरियंस है। और कहीं कहीं जगह पे एक्टर की रिक्वायरमेंट होती है फील करना सीन्स को, एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपका मूड डिफाइन कर रहा है कि आप आई ब्लिंक करोगे कि नहीं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कुछ सोच रहे हो, आप सपोज कुछ सोच रहे हो तो आप अगर आई ब्लिंक कर रहे हो तो आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, तो आप फिर करने कुछ और जा रहे थे, कर कुछ और रहे हो, तो आई ब्लिंक सिचुएशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉल्टर मर्क बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं और उन्होंने इस पर पूरी थ्योरी लिखी, एक बुक है इस पर, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एडिटर के लिए नहीं, डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर, सबको पढ़ना चाहिए, एक्टर को भी पढ़ना चाहिए और डीओपी को भी पढ़ना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ताकि वो भी पॉइंट आउट कर सके कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये दो बुक मैं सिर्फ एडिटर नहीं, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस और डीओपी, डायरेक्टर, सबको मैं रेकमेंड करूँगा, उनको पढ़ना चाहिए बुक। तो ये सर, ये जो आपने दो किताबों के नाम बताए हैं तो मुझे बहुत अमेजिंग लगे, मैं डेफिनेटली ये पढ़ने वाला हूँ। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप भी जरूर देखिए ये किताबें, अगर आपको आपको लग रहा है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक से वो किताब खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।